हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्या 3 मॉनिटर का सेटअप बनाना ठीक है या ओवर किल्ड है, मतलब ये वर्थ इट है या नहीं। मतलब मैं काफ़ी टाइम से ट्रिपल मॉनिटर सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि प्रोडक्टिविटी, गेमिंग या कुछ भी चीज़ के लिए ये कैसा है, किस चीज़ के लिए अच्छा है, किस चीज़ के लिए बुरा है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रोज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं 3 मॉनिटर के, फिर हम इसके नुकसान की बात कर लेंगे। जो इसकी सबसे पहली खूबी है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जब भी आपके रूम में, आपके घर में कोई भी आएगा और वो ये 3 मॉनिटर देखेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ट्रिपल मॉनिटर कैसा लगता है। ये किसी भी दिन डुअल मॉनिटर और सिंगल मॉनिटर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रो वाली फीलिंग करवाता है। तो एक तो फील आती है कि हाँ कुछ बढ़िया सा है रखा हुआ। तो लुक्स के मामले में तो भाई ये बहुत अच्छा होता है। मैंने डुअल मॉनिटर भी यूज़ करा है, सिंगल मॉनिटर भी यूज़ करा है, लेकिन जो खूबसूरती आपको ट्रिपल मॉनिटर में देखने को मिलती है वो किसी और मॉनिटर के सेटअप्स में देखने को नहीं मिलती, वो डुअल में भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर इसकी दूसरी जो खूबी है वो ये है कि कभी भी आप को स्क्रीन की कमी महसूस नहीं होती, मतलब कभी भी नहीं। आपके पास 3-3 स्क्रीन है, और अगर मैं अपने मॉनिटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर बीच में BenQ का 22 इंच का एक 16:9 का मॉनिटर लगा हुआ है, और साइड में 2 अल्ट्रा वाइड मॉनिटर लगे हुए हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड में वैसे भी आपको स्पेस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है स्पेस की, आपको कोई भी विंडो मिनिमाइज़ करनी ही नहीं होती। लाइक मैं तो भूल ही गया हूँ विंडो मिनिमाइज़ भी होती है सीरियसली, क्योंकि करता ही नहीं हूँ। एक अगर टैब खुला हुआ है तो वहाँ पे खुला छोड़ दिया, मुझे दूसरी कोई एप्लीकेशन लाइक फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग खोलना है तो वो मैं दूसरे मॉनिटर में खोलूँगा, तो वो मैं उसको मिनिमाइज ही नहीं करता। तो मिनिमाइज जैसी चीज़ तो मेरी लाइफ से बिल्कुल ही हट चुकी है। तो प्रोडक्टिविटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कभी कभार ये ओवरकिल हो जाता है। वो कैसे, वो अभी ही मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप कोई भी विंडो मिनिमाइज़ नहीं करते हैं, सब चीज़ें खुली रखते हैं, तो ये तो भाई आपके लिए बिल्कुल एक जैम है, बिल्कुल मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो इसकी खूबियाँ हैं ये इसी के साथ ख़त्म हो जाती है, मतलब आपको और कोई बेनिफिट इसका देखने को नहीं मिलेगा। बस ये दिखने में खूबसूरत लगते हैं और आपके पास ज़्यादा स्क्रीन आ जाती है तो आप कोई भी चीज़ मिनिमाइज़ नहीं करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, लेकिन खूबी यहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन अब कमी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ भाई ये महंगे होते हैं सीरियसली। अगर आप 3 मॉनिटर लेने जाओगे तो ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करेंगे सीरियसली। और अगर आप अल्ट्रावाइट कितना बड़ा ले लें, अगर 49 इंच का अल्ट्रावाइट भी ले लें तो वो भी 227 इंच के मॉनिटर के बराबर पड़ता है, तो वो भी ट्रिपल मॉनिटर का सेटअप नहीं बन पाता उसके अंदर। तो ट्रिपल मॉनिटर सेटअप में काफ़ी ज़्यादा आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन ये कॉस्टली बहुत हो जाते हैं। लाइक अगर आप एक मॉनिटर लेते हो जो कि शायद 10,000 रुपये का है, तो 3 मॉनिटर आपको 30,000 रुपये के पड़ जाएंगे। अगर आप फुल HD की बात करो, अगर आप 2K की बात करो तो आप इसको 40,000 कर दो, अगर आप 4K की बात कर रहे हो तो इसको तो फिर 60,000 रुपये कर दो 3 मॉनिटर के, तो आपका उतना प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक्सपेंसिव होते हैं लाइक, और कोई भी मैंने ज़्यादातर लोग नहीं देखे जो कि मॉनिटर में इतना खर्चा करते हैं, मैंने नहीं देखे सीरियसली। तो ये एक कमी है इसके अंदर कि प्राइसी हो जाते हैं। दूसरी एक कमी है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर किल्ड होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास 2 अल्ट्रावाइट थे, LG के 2 अल्ट्रावाइट मॉनिटर, तो मुझे लगता था वो काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब 2 अल्ट्रावाइट है मेरे पास तो हद है। लेकिन फिर BenQ पे मुझे डील अच्छी मिली तो वो मैंने ले लिया, तो उसके बाद मेरे पास ट्रिपल मॉनिटर सेटअप हो गया। और सीरियसली बता रहा हूँ, स्पेस की मुझे कभी कमी नहीं होती, बहुत स्पेस होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 मॉनिटर में भी मेरा काम बढ़िया चल रहा था, मुझे तीसरे मॉनिटर की इतनी ज़रूरत नहीं थी। कभी कभार मुझे हाँ तीसरी स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हाँ चलो थोड़ा स्पेस थोड़ा और चाहिए तो वहाँ पर हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता। क्योंकि जब आप 3 मॉनिटर करते हो ना तो इधर से उधर ही देखने में आपका पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आपके पास एक या डुअल मॉनिटर होता है तो एक प्राइमरी मॉनिटर होता है, एक सेकेंडरी मॉनिटर होता है, लेकिन जब आप ट्रिपल मॉनिटर सेटअप यूज़ करते हो ना तो आप सोचते हो कि सारे मैं स्क्रीन को यूज़ करूँ, क्योंकि जब एक स्क्रीन यूज़ नहीं होती तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसको लगा क्यों रखा है, तो कभी कभार उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो आपको वो लगता है कि खाली स्पेस पड़ा हुआ है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ ये होता है, बस वहाँ पर कभी कभार मेरा स्पॉटिफाई या यूट्यूब बैकग्राउंड में चलता रहता है तीसरे मॉनिटर में, अदरवाइज़ कोई काम नहीं होता है। बीच में फोटोशॉप खुल गया या वीडियो एडिटर खुल गया या कोई ब्राउज़र खुल गया, कोई कुछ भी खुल गया, तो बीच में वो खुला रहता है। साइड में जो भी रिसर्च, जो भी कोई भी क्वेश्चन होता है गूगल का, वो चलता रहता है। मतलब 2 टैब बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए सही है, बस तीसरा मोस्टली मेरा स्पॉटिफाई यूट्यूब के लिए होता है कि भाई साइड में कुछ गाने चलते रहे, तो वो तो मैं डुअल मॉनिटर में भी चला सकता हूँ। अगर मैं हल्की सी विंडो हल्की सी जगह दे दूँ तो मैं ये 2 मॉनिटर में भी कर सकता था। तो 3 मॉनिटर ओवर किल्ड होते हैं मेरे भाई, ये तो मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसकी ये दिक्कत है कि प्राइस ही बहुत हो जाते हैं और ओवर किल्ड भी होते हैं। उन लोगों के लिए ओवर किल्ड होंगे जो इनका मैक्सिमम यूज़ करना जानते हैं, मतलब मुझे तो ये आदत पड़ गई है। लेकिन यहाँ पर
ये दो इसकी खूबी मैंने बताई थी और ये दो मुझे कमियां पता चली कि हाँ ये कमियां हैं। तो यहाँ पर इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए, तो किन लोगों को ये लेना चाहिए? तो जो प्रोडक्टिव लोग हैं शायद उनके लिए वर्क कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग हैं, तो उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि थोड़ी बहुत, मतलब डुअल मॉनिटर मुझे लगता है इज़ इनफ। मुझे ऐसा लगता है, मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है दो मॉनिटर इनफ हैं, तीन मॉनिटर ओवर किल कर जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा स्क्रीन चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है, एक अल्ट्रा वाइड, एक नॉर्मल मॉनिटर, मतलब एक 21:9 का मॉनिटर और एक नॉर्मल मॉनिटर आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा स्क्रीन देखने को मिलेगी। एक प्राइमरी मॉनिटर हो जाएगा बड़ा और एक छोटा मॉनिटर हो जाएगा आपका सिंपल सा सेकेंड मॉनिटर, जो कि आप सेकेंडरी कोई भी काम कर सकते हैं। तो मुझे वो सबसे ज़्यादा सही मुझे लगा कि एक अल्ट्रा वाइड, एक नॉर्मल 16:9 का मॉनिटर, तीन मॉनिटर ओवरकिल कर जाते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने यूज़ करें और दो अल्ट्रा वाइड और एक सिंगल नॉर्मली मॉनिटर, ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवरकिल कर रहा है, तो यहाँ पर इतना यूज़ हो नहीं पाता है, ये सीरियसली बता रहा हूँ। और गेमिंग की बात करूँ, आप सोच रहे हो कि गेमिंग इमर्सिव करूँगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि गेमिंग अच्छी हो पाती है, क्योंकि जब आप तीन मॉनिटर में करते हो ना, तो बस वो जो गेमिंग है वो स्ट्रेच हो जाती है, मतलब खिंच जाती है, वो आपको सामने से नोटिस होता है कि पिक्चर में स्क्रीन बड़ी नहीं हुई है, बस वो खिंच गई है, मतलब सीरियसली आपको पता चलता है, तो वो आपको बुरा लगता है। और फिर आप सिंगल मॉनिटर में ही गेमिंग करते हो, तो यहाँ पर गेमर्स के लिए तो ट्रिपल मॉनिटर है नहीं, सिंगल मॉनिटर बहुत सही है, डुअल मॉनिटर ही सही है, मतलब कि एक पे गेम चलता रहे बाकी में दूसरा काम करते रहें या स्ट्रीमिंग करते हैं, तो डुअल मॉनिटर सही है। आई डोंट रिकमेंड कि आप इतना करें, क्योंकि इसमें पैसा भी ज़्यादा खर्चा होगा, यूज़ भी, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, मतलब लाइक बहुत बहुत ज़्यादा, तभी काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। मे बी फ्यूचर में ये जो ट्रिपल मॉनिटर सेटअप है, मैं इसको डुअल मॉनिटर में ही शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये इतना वर्थ इट है, मतलब जितना पैसा जा रहा है उतना आपको स्क्रीन तो मिल रही है, लेकिन उतना आप यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने लॉन्ग रन में, मुझे नहीं लगता। डुअल मॉनिटर मुझे सबसे स्वीट स्पॉट लगता है, और सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा स्वीट स्पॉट कि डुअल मॉनिटर में एक अल्ट्रा वाइड हो और एक नॉर्मल 16:9 का मॉनिटर हो, उससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा सेटअप हो सकता है कोई, क्योंकि एक प्राइमरी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन मिलती है, तो ये आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 34 इंच का अल्ट्रा वाइड लेंगे और 27 इंच का नॉर्मल मॉनिटर लेंगे, तो दोनों की जो हाइट है वो दोनों की सेम होगी, और आराम से आप दोनों को साइड बाय साइड रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे तो वो सबसे बेहतरीन स्वीट स्पॉट लगा। तो उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ट्रिपल मॉनिटर वर्थ इट है कि नहीं है। मेरे हिसाब से इतना नहीं है, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लुक कूल लगता है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी जगह फिर भी खाली रह जाती है। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मत कर वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।